आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी अचीव करना है और वो अचीव करने के लिए आपको जो जो चीज़ सीखनी है, जो जो चीज़ करनी है, वो आपको कोई भी बुक से बेहतर कल हो ना हो का एक सीन समझा सकता है। क्या हाल है ब्रो? मैंने ये चैनल कुछ महीने पहले स्टार्ट करा था। उस वक्त मेरी जॉब भी चल रही थी, तो ये बिल्कुल एक साइड का काम था। लेकिन मेरा इरादा तो ऑब्वियसली यही था कि मैं इस चैनल से दुनिया बदल डालूंगा। सॉरी अबाउट दैट। शुरू में मैंने हर तरह की वीडियोस बनाई, व्लॉग्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, अपने अंदर के आर्टिस्ट को खिलाने के लिए इक्वली आर्टिस्टिक वीडियोस। बट मैंने जैसी भी वीडियोस बनाई, मुझे मेरी ऑडियंस ने कुछ खास घास नहीं डाली। चलो शुरू में तो व्यूज वगैरह ऑब्वियसली नहीं आते, ये बात आपका भाई मानता है, लेकिन जितना भी 19-20 रिस्पॉन्स आ रहा था, उसको देख के मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि लोगों को मेरी वीडियो से मजा नहीं आ रहा। उनको मेरी वीडियोस बड़ी खाली खाली लग रही हैं, बड़ी खाली खाली। फिर जब मैं अपनी जॉब को छोड़ के इस चैनल को फुल टाइम चलाने की डिसीजन लेने वाला था, तो मैंने सोचा कि यार तू उसको फुल टाइम तो कर लेगा माना, और तुझे वीडियोस बनाने का शौक भी है ये भी माना, लेकिन तू जिस तरह की वीडियोस अभी बना रहा है ये तो किसी को पसंद खास नहीं आ रही, तो तू बनाएगा क्या? और तू फुल टाइम करेगा तो तू उस पोजीशन में आ रहा है जब तेरी रोजी रोटी इस पे डिपेंडेंट होगी, तो देख ले भाई, मतलब बाद में नहीं बोलना। ये सोच के मैं नेक्स्ट लेवल स्ट्रेस्ड हो गया। चैनल के फेलियर का डर मेरे दिल में बस गया। पता नहीं यार, शायद मैं इतना अच्छा ही नहीं हूँ वीडियोस बनाने में। अबे छोड़, अपना चैनल कौन बनाए, जॉब करते रहते हैं, छोड़ यार। मैं इतना डर गया कि मैं अपने चैनल शुरू करने की सोच से ही भागना शुरू हो गया, और ऐसे भागते भागते मैंने एक दिन लगा ली कल हो ना हो। देखो जेनी, आपका ये रेस्टोरेंट नहीं चलता है, चलना भी नहीं चाहिए। कैसे चलेगा, क्यों चलेगा? क्वेश्चन, रेस्टोरेंट को क्वेश्चन कर रेला है ये। वैसे नवीद, तूने कभी प्रॉपरली बैठ के आराम से अपनी वीडियोस को क्वेश्चन करा है कि वो चलती क्यों नहीं है? आपके इस रेस्टोरेंट में ऐसा क्या मिलता है जो गली के बाकी रेस्टोरेंट में नहीं मिलता है? नथिंग, ज़िल्च, ज़ीरो। सोचा जाए तो तेरी भी वीडियोस में कोई नया आइटम तो खास नहीं है। और ये सामने वाला चाइनीज रेस्टोरेंट इतना क्यों चलता है? और बाकी यूट्यूबर्स में क्या खास नया आइटम है ये जानने की तूने कभी कोशिश भी तो नहीं करी? जब तक तू अपने कंपटीशन को एनालाइज नहीं करेगा, तेरा काम कैसे होगा जानी? रेस्टोरेंट से चलता है क्योंकि ये अपना कल्चर, अपना देश यहाँ पर लेकर आए। इनकी वीडियोस या इनकी अपनी पर्सनालिटीज से ऑडियंस कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा रिलेट करती है। अबे तेरी, ये तो पूरा मैनेजमेंट का लेक्चर है यार, ये तो मेरी वीडियोस को चलाने का रास्ता बता रहा है। और बता। हमारे हाथ में एक ऐसी ताकत है जिसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, और उस ताकत का नाम है हिंदुस्तान। तुम्हारी ताकत क्या है, या इन अदर वर्ड्स तुम क्या रिप्रेजेंट करते हो? मैं वो इंसान रिप्रेजेंट करता हूँ जो अपनी 20s में है और करियर, सक्सेस, फेलियर, पैसा की स्ट्रगल में पिस रहा है, लेकिन वो गिव अप करने वालों में से नहीं है। तो क्या मुझे इस पे वीडियोस बनानी चाहिए? बनानी क्या चाहिए, बस अपनी जिंदगी पे व्लॉग्स बनाना शुरू कर दे। वो सारी चीजें जो इंसान इस स्टेज ऑफ लाइफ में फेस करता है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। बेहतरीन आइडिया दिया है, बेस्ट आइडिया है, ऑन है। एक सेकंड, आज एक्साइटेड है, कल तू ठंडा हो जाएगा। अनलेस वो तमाम लोग जो ये 20s का अजाब फेस कर रहे हैं, उन सबको मैंने बताना है कि डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन। और बहुत पॉसिबिलिटी है कि तुम अपने विजन से इवेंचुअली भटक जाओ, हो सकता है, लेकिन इससे तुम्हें कोई नुकसान ना हो उसके लिए बहुत जरूरी है कि क्योंकि हिंदुस्तान जो चाहे जैसा चाहे जहां चाहे वैसा कर सकता है। अब ये क्या चीज, यू कैन डू इट, यू कैन बी द वॉइस ऑफ दिस जनरेशन। लेकिन तू जितना भी मोटिवेट कर ले अपने आप को, गारंटी तो कुछ भी नहीं है ना। कोशिश। असल में तो इंसान जिंदगी में कुछ भी कर ले, आखिर में तो सिर्फ कोशिश ही कर सकता है। चलो भाई, ये बड़ी बड़ी बातें बहुत हो गई हैं, अब हाथ गंदे करने का टाइम है, मेहनत स्टार्ट करो, मेहनत। और कंपटीशन से घबराना नहीं, हेल्दी कंपटीशन एक्चुअली बहुत मोटिवेट करता है आपको। कोई वीडियो कचरा बनती है, दोबारा बना, और अगर इस दौरान कोई चोटे वोटे लगती हैं, कोई खून वून निकलता है, तो टेंशन नहीं लेना, ये इन सब चीज का पार्ट है, ये होता है। अगर किसी टीम के साथ काम कर रहे हो तो फड्डे वड्डे तुम्हारे हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त कंट्रोल करना, लड़ना नहीं। और अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग सही करो, जो चीज रिप्रेजेंट करते हो उसको अपना चेहरा बनाओ।
और बस फिर ये करते रहो करते रहो करते रहो, और अगर तुम ये करते रहोगे ना तो देखना कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। तेरे आज भी सब्सक्राइबर्स 1000 से कम है, बड़ा सिखाने निकला है। आई एम ग्लैड कि तूने ये बात करी है, पता है, क्योंकि इस कल हो ना हो के लेक्चर का अभी लास्ट पार्ट रह गया है। पेशेंस, ये सब करने के बाद भी शायद शुरू में कुछ बने नहीं, सबर करना सीखो। शायद अभी भी फेलियर जैसी ही फीलिंग आए, लेकिन सबर रखो और थोड़ा टाइम दो, फिर देखना, एक दिन लोग तादाद में तुम्हारे दरवाजे पे जरूर आएंगे और बोलेंगे, Excuse me? Are you open? Yeah!